डॉक्टर साहब ने मिस्टर अरबान को डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी है मैम, आप कल तक इन्हें घर ले जा सकती हैं। शुक्र है। ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन है जी, तो मेंटन है और ये मामा वो सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बहुत ही जरूरी बात करनी थी। एक मिनट रोमान में से रहिए, दवाएं समझ लो। मामा वो आपने आपने शादी की बात की थी ना मुझसे, तो मामा मुझे ये कहना था कि अब मैं तैयार हूं। वाकई अस्पताल में क्यों ये बात तुम्हें याद आई? मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही मिसेस कादर से बात करती हूँ। लेकिन मामा मिसेस कादर सॉरी मैं वो मामा मिसेस कादर वाली बात नहीं कर रहा था मैं। क्यों? मेरी पसंद पे एतबार नहीं है तुम्हें? बहुत अच्छी लड़की है, एजुकेटेड है, अपना बिजनेस करती है, और क्या चाहिए? जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा, मिसेस कादिर उनकी बेटी बहुत अच्छे लोग हैं, दे वेरी वेल एजुकेटेड एंड ऑल, बट मैं मामा मैं अस्मा की बात कर रहा हूँ, मास्टर साहब साबिर साहब की बेटी अस्मा, आप जानती हैं अस्मा? अस्मा कहाँ चली गई थी? अबू जी कब से तुम्हारा पूछ रहे थे? थाने गई थी शौकत भाई से मिलने के लिए। मैं चीज़ सुलझाना चाहती हूँ लेकिन वो शख्स हमेशा अपना इतना मकरू चेहरा दिखा देता है, समझ नहीं आता कि तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हो। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। पता नहीं हिम्मत है या बेगैरती, समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या करूं। छोटी बहू जैसे मुझे और बच्चियों को जलील करती है, बहू जैसे मेरा घर बसे रहने की उम्मीद लगाए बैठे, वापस चली जाऊं? मुझे शौकत से मिलना होगा अभी। मामा मुझे तो लगा था कि आप उन लोगों को अच्छी तरह जानती हैं और वो पसंद भी हैं आपको। हमदर्दी करना और पसंद करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। अपने और उनके बीच का फर्क तो सीखा होता। अगर अपनी नजर से देखूं तो मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता मामा, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरे बारे में। और अगर आप अस्मा की गुर्बत की बात कर रही तो जिस तरह वो गरीब और बेसहारा है उसी तरह मैं भी तो यतीम ही हूं। यतीम हो तुम, मर चुकी हूं मैं, फसूल
बकवास मत किया करो रुमान, मेरे बेटे हो मिसेज इत्तेशाम के। जज्बात में तुम मुझे भी एक बेजोड़ रिश्ते में घसीट रहे हो। हालत देखिए उस खानदान की, फुप्पो को देखा है उनकी, उजड़ औरत। निकालो अपने दिमाग से ये फजूल बातें।